हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा वेरियस एंटरप्रेन्योरशिप्स इन फार्मेसी। फार्मेसी में आप क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैं आज बात करूंगा कि कुछ आपको नहीं समझ आ रहा फार्मेसी में क्या करना है, अगर आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हो चुका है फिर आपको क्या करना है। आज मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट बताऊँगा। पहला तो आपका सबसे अच्छा है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। अगर आप इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग्स ग्लोबली। अगर आपका मन कर रहा है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आपको एज अ केमिस्ट अगर ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन एज अ QA डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। दीज आर सम इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। इनमें भी अगर आप चाहते हैं तो अगर एज अ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेसेस को एनहांस करना या फिर कोई अपना बिजनेस लगाना, दैट इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग एंड रनिंग न्यू बिजनेस। अगर आपका कुछ नया आइडिया है दिमाग में, नई चीज़ें हैं, अगर आपको स्मॉल बिजनेस करना है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको आइडियाज़ बताऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप और कैसे होता है, क्या करना है। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक फार्मेसी बिजनेसेस। अगर मैं बात करूं आपका बिजनेस में, अगर आप करना चाहते हो तो इकोनॉमिक साइकिल, दैट इज़ बिजनेस, एवरग्रीन बिजनेस है फार्मेसी का। वहीं कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं मेडिसिन की, आप वो कर सकते हो। कॉरपोरेट हॉस्पिटल लगाना चाह रहे हैं या फिर ट्रिमेंडियस ग्रोथ, अगर आपको फार्मेसी बिजनेस ग्रो करना है। नेक्स्ट फिर आता है ऑनलाइन फार्मेसी। अगर जैसे सपोज एग्जांपल अगर मैं दूँ, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर अगर आप सेल करना चाहते हैं अपना कोई भी प्रोडक्ट, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है आपका अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर आपको ऑनलाइन फार्मेसी कर खोलना है, देन यू हैव टू रजिस्टर विद योर UPPCI, दैट इज़ उत्तर प्रदेश काउंसिल लखनऊ में। आपको रजिस्टर्ड एक पहले लाइसेंस बनवाना होगा, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। नो ग्रांट ऑफ लाइसेंस बाय यूपी फार्मा काउंसिल। फिर नेक्स्ट आता है आपका फार्मेसी बिजनेस। कुछ फॉर्मेट्स हैं आपका, या तो रिटेल फार्मेसी या होलसेल फार्मेसी, ड्रग स्टोर, जन औषधि एक नया है आपके लिए, और फिर है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी एज अ क्लिनिकल। नेक्स्ट आता है चेन फार्मेसी, जैसे अपोलो, एंड नेक्स्ट आता है टाउनशिप फार्मेसी। अगर आप चाहते हैं कि अपने गाँव में या शहर में अपना फार्मेसी स्टोर खोलना चाहते हैं, यू कैन ओपन। नेक्स्ट, जैसा कि आपने बताया, मैंने बताया था कि ई फार्मेसीज आप अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं मेडिसिन, आप कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करने होंगे, GST रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में है या फिर प्रोप्राइटरशिप में आप करना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। नेक्स्ट आता है, अब फिर आप ड्रग लाइसेंस कैसे आप जो है ऑब्टेन करेंगे। सीधा सा, अगर आपको फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल से आपको एक लाइसेंस मिलेगा। अगर आपको एलोपैथिक रिटेल खोलना है, देन फॉर्म 2021। एलोपैथिक होलसेल अगर खोलना है, 20B एंड 21B। ई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग ऑनलाइन प्रोसेस है गवर्नमेंट के बिसाइड से। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस। आपको ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। पहला आपका एरिया मिनिमम, दैट इज़ 10 meter square। फॉर कंबाइंड एंटिटी मिनिमम इज 15 meter square। नेक्स्ट आपका स्टोरेज फैसिलिटी में आ गया, रेफ्रिजरेटर आपका, टेक्निकल स्टाफ चाहिए आपको, रिटेल होलसेल के लिए सारा दे रखा है, देन फर्नीचर, कपबोर्ड, शेल्फ, कंप्यूटर एंड लैपटॉप। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग ड्रग लाइन स्टोर। फिर है आपका ये फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर आप लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर कुछ इस टाइप से अगेन लॉग इन करेंगे ड्रग सेल्स में। देन कुछ आपके प्रोसीजर्स या डॉक्यूमेंट, फ्रेश अप्रूवल के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए आपका होलसेल लाइसेंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, यू कैन रीड ईजली रीड आउट। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन होलसेल और रिटेल, दीज आर सम बेसिक एफिडेविट्स और लीन्स, दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट। देन अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ आर सिंपल एफिडेविट। नेक्स्ट आता है जन औषधि जेनरिक स्टोर। अगर आपको खोलना है, आउटलेट खोलना है, तो आपको जन औषधि के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको
एक प्रॉपर लीज एग्रीमेंट स्पेस होना चाहिए, मिनिमम स्क्वायर दैट इज़ मिनिमम स्पेस 120 स्क्वायर मीटर, सेल्स लाइसेंस एंड रिटेल ड्रग्स लाइसेंस जो कि आपका खुद का फार्मासिस्ट हैं आप तो होगा, 10 नंबर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जीएसटी के। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एनजीओ ट्रस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डॉक्टर अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप से इनसे आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स लेने होंगे, देन यू कैन ओपन योर जनौषधि केंद्र। फिर नेक्स्ट आपका फार्मा क्लिनिक, डायबिटिक क्लिनिक, बीपी क्लिनिक, वेट मैनेजमेंट क्लिनिक्स, दीज यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। नेक्स्ट आता है आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स कल्टिवेशन, दैट इज़ फॉर एग्जांपल रोज वाटर का आप कर सकते हैं, एलोवेरा का कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग लैब्स, जितने भी आपका सपोज कोई आपको रिसर्चर है वो आपसे चाहता है कि आपका टेस्टिंग करें, फॉर एग्जांपल यूवी है, आईआरएस की सैम्पलिंग के लिए आप लैब खोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका पब्लिकेशन हाउस, अगर आपको जहाँ अच्छी नॉलेज है एकेडमिक्स में देन यू कैन ओपन योर पब्लिकेशन हाउस। पब्लिकेशन में आपका आ जाता है बेसिकली बुक्स एंड दैट इज़ पेटेंट एंड आईपीआर, दीज कम्स अंडर द पब्लिकेशन हाउस। देन दैट अगेन आई एम रिपीटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट्स नथिंग बट द पेटेंट। फॉर सपोज एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू सम फाइल अ पेटेंट, देन यू गो फॉर द intellectual property rights website and you can easily publish your patent. This also comes under the publication house. So thank you so much for the patience listening and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.